दोस्तों प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत जे तुसीं नवा ट्रैक्टर खेती लिए खरीदना चाहते हो तो किसान वीरां लिए खुशखबरी की गल है। तो पूरी जानकारी तुहानूं मैं इस वीडियो में देवांगा। उस तो पहले इस वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो चैनल में सब्सक्राइब कर लो तो वीडियो में लाइक जरूर कर लो। तो दोस्तों अगे गल करेंगे आप कि स्कीम का लाभ किवें प्राप्त कर सकते हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज की है, तो स्कीम लिए आप अप्लाई किवें कर सकते हैं। तो सब तो पहले आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं तुहानूं दे दिंदा जो तुहानूं जाणू होना जरूरी है। ये पहली गल तो आप नोट करिए तो इस स्कीम का लाभ देश के सारे किसानों को दिता जाएगा, ना कि पंजाब के ना किसी अदर स्टेट के बल्कि सारे इंडिया के किसानों को दिता जाएगा। जे तुसी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हो तो प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत आपको अर्जी पानी पवेगी, अप्लाई करना पवेगा। किसानों नवे ट्रैक्टर के सबसिडी का सीधा लाभ उन्होंने बैंक अकाउंट में आएगा। तो केंद्र सरकार किसानों नवें ट्रैक्टर की खरीद उपर 20 तो 50% की सबसिडी देती है इस स्कीम के तहत। तो इन्हों की ऑफिशियल साइट उपर साफ इन्होंने मैनशन किया है कि इस स्कीम नाल जुड़े किसानों किसी होर खेतीबाड़ी मशीन सबसिडी स्कीम नाल ना जुड़ा जाए। यह सिर्फ ट्रैक्टर लिए जो सबसिडी दी जा रही है वह किसान वीर ट्रैक्टर खरीदने लिए दी जा रही है। तो परिवार विचों केवल एक किसान ही अप्लाई कर सकता है तो अर्जी दे सकता है। तो इस स्कीम के तहत जो महिला किसान है उन्होंने ज़्यादा सबसिडी प्राप्त होगी तो ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस स्कीम का लाभ लेने लिए बिनेकार को अपने नाम से खेती योग जमीन होनी चाहिए है। तो आप अगे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की गल करिए जो किसान भरा के नाम से खेती योग जमीन होनी चाहिए, मतलब जो भी अप्लाई कर रहा है उसके नाम से जमीन होनी चाहिए खेती योग। तो जे जिदे अप्लाई कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पर जे मैं अज अप्लाई कर रहा तो अज तो 7 साल पहला मैं किसी भी सबसिडी स्कीम का या सरकारी इस तरह की स्कीम का कोई लाभ नहीं लिया होना चाहिए। तो बिने जो भी अप्लाई कर रहा है बिनेकार उसका आधार कार्ड होना चाहिए है। तो जो जायदाद जो जमीन के डॉक्यूमेंट उसके कोल होने चाहिए ने, तो पछाण सबूत के तौर पर वोटर आईडी आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट थोड़े को चल जाता है। इस तो इलावा बैंक खाता होना चाहिए, मोबाइल नंबर तो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए है। तो अगर गल करिए कि स्कीम में अप्लाई किमें करना है, दोस्तों तुम्हें यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कि फोन पर अप्लाई करो या घर बैठे अप्लाई करो, पर दोस्तों गवर्नमेंट ने स्कीम सिर्फ CSE सेंटर या सुविधा केंद्र से जाके अप्लाई कर सकते हो। तो होर जानकारी साढ़े चैनल सबसक्राइब करो।